हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो साबूदाना खिचड़ी बनाना बहुत ही इजी है, हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमारी साबूदाना खिचड़ी जो है वो खिली खिली नहीं बनती है, साबूदाने बहुत ज़्यादा मॉइस्ट जाते हैं, चिपचिपी बनती है, तो उसका क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कप साबूदाना लिया है, इसे सागो भी बोलते हैं। साबूदाने को पहले 5 से 6 बार अच्छे से वॉश करें, मसल मसल के वॉश करें, क्योंकि इसके ऊपर पाउडर लगा होता है, तो वो पाउडर जो है वो आपको निकालना है। तो वॉश करते जाएं जब तक उसका पाउडर जो है वो निकल नहीं जाता, पानी एकदम क्लियर नहीं हो जाता। तो ये मैंने वॉश कर दिए हैं और अब हम इसके अंदर 3/4 कप जितना पानी डालेंगे। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको, 3/4 कप पानी डालें एक कप साबूदाने के अंदर और 6 से 8 घंटे के लिए उसे आप सोख होने के लिए छोड़ दें। अगर फिंगर से मेज़र करेंगे तो फर्स्ट टिप जितना पानी आपको साबूदाने के अंदर डालना है। तो ये देखिए 6 से 8 घंटे के बाद आपके साबूदाने इस तरह से हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपके साबूदाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ना डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। साबूदाना खिचड़ी बनाना बहुत ईजी है, लेकिन आप साबूदाने को कैसे सोक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो मूँगफली आती है वो ली है। इसे मैं इसमें पैन के अंदर ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, कुछ भी ऑयल नहीं डाला है मैंने, कोई घी नहीं डाला है, सिर्फ मूँगफली लें और उसे इस तरह से रोस्ट कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगी, थोड़े छिलके जो हैं वो तड़ने लग जाएंगे। अब आपको इसका पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पर छिलके जो हैं वो निकाल करके भी पीस सकते हैं। और अब आपने जो पाउडर बनाया है उसको आपको साबूदाने के अंदर डालना है, अच्छे से मिला लें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही डालें। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैंने सारा पाउडर जो है वो डाल दिया है। और अगर मूंगफली के कुछ बड़े दाने रह गए हैं तो उन्हें आप निकाल सकते हैं, नहीं तो रहने भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है वो पीसी हुई शक्कर डाल रहे हैं और सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, रॉक सॉल्ट बोलते हैं जिसे, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालें, और अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल जो आपका सॉल्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अच्छे से सबको एक बार मिक्स कर लें। और अब हम एक पैन के अंदर घी लेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना घी ले रही हूँ। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो मूंगफली है जो मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालने वाली हूँ उन्हें मैं घी के अंदर थोड़ा सा सेक रही हूँ, यानी कि हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई। और इसको निकाल देंगे फ्राई करने के बाद। और अब उसी घी के अंदर अब हम 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हमें हरी मिर्च डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो है वो हरी मिर्च बारीक काट ली है। और इसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे। तो मैंने 2 जो आलू थे बॉईल कर लिए थे और उन्हें इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। और आलू हमारे हल्के से 1-2 सेकंड आलू को भुनेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता जो है वो पहले भी डाल सकते हैं, पर इस स्टेज पर डालेंगे तो वो चटकते नहीं हैं। तो कड़ी पत्ता डाल के उसको थोड़ा सा भून लें। और अब हम इसके अंदर जो है लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च से भी आप तिखास कर सकते हैं। और इसको अच्छे से भून लें। और अब इसके अंदर जो हमने साबूदाना जो भिगोए थे वो डाल देंगे, साबूदाना डाल दें। देखिए कितने खिले खिले साबूदाना है। साबूदाना का जो भिगोने का जो प्रोसेस है वो सही करेंगे तो आपकी साबूदाना खिचड़ी 100% खिली खिली बनेगी, नहीं तो वो चिपचिपी बन सकती है। हमें इसमें कोई पानी नहीं डालना है। अब अच्छे से साबूदाने को सब तरफ मिक्स कर लें और इसे ढक करके पकने दें, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है वो साबूदाने चिपकते नहीं हैं, और अगर आप स्टील या एल्यूमिनियम कुछ भी और बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको हिलाने का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बीच बीच में चलाते रहें और ढक करके इसे पकने दें जब तक कि आपके साबूदाने जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। तो बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे
ताकि नीचे के जो साबुदाने हैं वो कड़क ना हो और जो सारे साबुदाने हैं वो अच्छे से सिक जाएं। तो ये देखिए कुछ देर बाद आपके साबुदाने इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और अब हम इसके अंदर एक नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। लेमन जूस जो है वो आपको लास्ट में डालना है जब आपके साबुदाने अच्छे से पक जाएं उसके बाद। पहले अगर आप डाल देंगे तो साबुदाने को पकने में टाइम लगेगा। नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें साबुदाने के अंदर। और इसके बाद इसके ऊपर धनिया डाल दें और जो आपने मूंगफली जो सेकी थी वो डाल दें। तो ये आपकी साबुदाना खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत इजी है साबुदाना खिचड़ी बनाना। बस खिली खिली साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना डालें। अगर आप एक कप साबुदाने में 3/4 कप जितना पानी डालेंगे तो साबुदाना जो है वो सारा पानी सोख लेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपके साबुदाने में एक्स्ट्रा पानी रह जाता है तो आप पहले किसी छलनी के ऊपर उसे डाल दें, सारा पानी नीचे झड़ने दें, उसके बाद आप साबुदाना खिचड़ी बनाएं तो आपकी साबुदाना खिचड़ी इसी तरह से खिली खिली बनेगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।